नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक मीडिया। दोस्तों, WTC का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जा रहा है। ऐसे में WTC के फाइनल में अंपायर कर रहे हैं भारत के खिलाफ साजिश। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन के एजिस बाउल में खेला जा रहा है। टेस्ट मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत के कप्तान विराट कोहली अपनी पारी के दौरान अंपायर रिचर्ड एलिंगवर्थ के उनके खिलाफ रिव्यू लेने से नाराज दिखे। दरअसल भारतीय पारी के 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर कोहली ने लेग स्टंप से बाहर जाती गेंद पर शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। इसके बाद तेज गेंदबाज टेंट पोल कैच आउट की अपील करते हैं, लेकिन कीवी टीम के कप्तान केन विलियमसन निर्धारित समय के अंदर ही DRS नहीं लेते हैं। इसके बाद अंपायर रिचर्ड एलिंगवर्थ लेग अंपायर से इस बारे में बात करते हैं और अंपायर रिव्यू लेने का फैसला करते हैं। इसके बाद कोहली ने अंपायर से इसको लेकर बातचीत की। कोहली का मानना था कि अंपायर ने पहली बार में आउट की अपील को ठुकरा दिया और विरोधी टीम के कप्तान ने DRS नहीं लिया, तो फील्ड अंपायर ने कैसे रिव्यू लेने का फैसला किया है जब TV अंपायर यानी कि थर्ड अंपायर ने पूरी तरीके से देख लिया कि गेंद और बल्लेबाज का संपर्क नहीं हुआ है, तो फील्ड अंपायर को खेल जारी करने का निर्देश दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अंपायर को ऐसी हरकत करनी चाहिए थी या नहीं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।